सर समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. Stocks are going down. Good morning friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. ट्रेडिंग फैब के बारे में क्विकली मैं आपको बता दूं. अगर आप नए हैं तो ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है. तो आप इन तीनों में से कोई एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको ट्रेडिंग फैब की जो प्रीमियम इंट्राडे मेंबरशिप है वो फ्री में मिल सकती है. तो उसके लिए आपको करना क्या है, इन तीनों में से कोई एक अकाउंट आपको हमारे अंडर ओपन करना है. उसके लिए आपको यहाँ पर तीनों अकाउंट्स के लिंक दिए गए हैं, आपके ऊपर चॉइस है जो चाहिए वो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं. ये यहाँ से आपको सिर्फ क्लिक करना है और जैसे ही ये पेज ओपन होगा आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करके सबमिट करना है. तो जैसे ही वहां से आपको डीमैट अकाउंट से कॉल आ जाएगा तो आगे की अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी. और अकाउंट ओपनर होने के बाद आपको सिर्फ हमारे नंबर पर कॉल करना है, आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म करना है ताकि हम आपको हमारे प्रीमियम चैनल्स में ऐड कर सके. और एक बात है, निफ्टी एनालिसिस हम लोग हर सुबह एक वीडियो बनाते हैं, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका वीडियो यूट्यूब के ऊपर अराउंड 8:30 के आसपास हम पब्लिश करते हैं. तो आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही ये अपलोड होता है YouTube के ऊपर आपके मोबाइल के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप ट्रेडिंग आवर्स के पहले इस वीडियो को देख पाएंगे. ठीक है, तो आज है 26 जुलाई 2019, फ्राइडे है, सुबह के 8:09 हो रहे हैं. नया डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने वाला है, कल एक्सपायरी का दिन था, मंथली एक्सपायरी का दिन था, आज लास्ट डे है इस वीक का, फ्राइडे है. तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 25 जुलाई आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहाँ ऊपर आए बटन में आपको मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,287 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,229. तो जैसे कि ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड का ये जो डेटा है वो हमें कल का कैंडलस्टिक का डेटा प्रेजेंट कर रहा है. तो जैसे ही यहाँ पर ओपन हुआ, जस्ट ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ये ओपन हुआ निफ्टी इंडेक्स और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव हुआ. तो हमारा फर्स्ट टारगेट 11,312 और सेकेंड टारगेट 11,330 ये दोनों भी अचीव्ड हुए यहाँ पर. तो जैसे कि इस प्लान के अकॉर्डिंग कल ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं क्विकली. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स, नासडैक में प्रेशर देखने को मिला, दोनों भी लाल निशान में बंद हुए. यूरोपियन बाजार भी देखे तो वहां पर भी प्रेशर देखने को मिला, लाल निशान में बंद हुए हैं यूरोपियन बाजार कल. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज इंडेक्स, चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट ये भी प्रेशर के साथ ट्रेड कर रहे हैं. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी यहाँ पर 51 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी 18 पॉइंट की हल्के से गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत आ रहे हैं इस समय. चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर. पहला बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, आने वाले वीक में कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करेंगे. ये मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी का. अभी यहां पर अगर आप इस जुलाई के कैंडलस्टिक को देखें तो काफी स्ट्रांग बेयरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है और इसके पहले एक डोजी टाइप का ये कैंडलस्टिक बना था. तो इसे एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा हम इसे कह सकते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं. तो अभी यहाँ से ये जुलाई मंथ का कैंडलस्टिक है तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड ये जो यहाँ पर, मैं इसे और डार्क कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छे से दिखे. तो यहाँ पर ये स्विंग एक हाई बना हुआ है पास्ट में, तो यहाँ पर ये जो इसका हाई है अराउंड 28,130 के पास ये सपोर्ट का काम कर सकता है. तो अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे 20 ईएम में ये जो अराउंड अभी 27,350 के पास है ये नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल हो सकता है. ये हम लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं. अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश बना हुआ है क्योंकि मंथली चार्ट में
शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अभी भी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो यानी स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, ठीक है। तो ये है मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं वीकली चार्ट में। ये है निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो अगर देखा होगा, हर फ्राइडे हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, तभी यहाँ पर हमने डबल टॉप फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया था। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये था फर्स्ट टॉप, ये था सेकंड टॉप। तो यहाँ से ये जब नीचे आया तो इसने इसके नेक लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, और इसके बाद ये 20 EMA, एज पर वीकली चार्ट 20 EMA को भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो इसके वजह से हमें यहाँ पर और भी काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी एज पर वीकली चार्ट यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल आ रहा है, ये 50 EMA का ये जो लेवल है, यहाँ पर ये 28,515 के पास है अभी। तो इन 28,500 ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। प्रीवियस मतलब पास्ट की बात करें, प्रीवियस वीक्स यहाँ पर, तो यहाँ से एक स्विंग लो बन के बाउंस बैक हुआ था निफ्टी इंडेक्स, अभी उसी लेवल के पास ऑलमोस्ट है। तो ये लेवल अगर ये ब्रेक करता है, ये जो पास्ट में इसने स्विंग लो बनाया है और बाउंस दिया है, तो ये अगर अभी ब्रेक करता है तो नीचे 28,500 के लेवल हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। और ऊपर जाने जाते वक्त ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है, ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि अराउंड अभी 29,862 के पास है। तो ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट का सिनेरियो। ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है 29,860 का, और नीचे 28,500 का यहाँ पर सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट। अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स और भी टूवर्ड्स 100 EMA तक हमें मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। यह है डेली चार्ट बैंक निफ्टी इंडेक्स का। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अभी अराउंड 150, ये जो ब्राउन लाइन है ये 150 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। यहाँ पर ही एग्जैक्ट ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। कल का लो 29,043 था, और 150 डेज का ये जो मूविंग एवरेज है इसका भी देखें, ये वैल्यू 29,048 के पास था। तो ये अराउंड अभी 150 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज के पास बैंक निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे 200 डेज का ये जो 28,226 के पास यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आ रहा है, 28,226। और पास्ट में अगर हम देखें, ये जो फॉल आया था यहाँ से, ये भी ऑलमोस्ट अराउंड 28,200 के पास है। तो ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये लेवल 28,300 टू 28,200 ये जोन, तो ये अभी यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है। आप देख सकते हैं पास्ट में भी इसी के अराउंड आकर ये बैंक निफ्टी इंडेक्स यहाँ से बाउंस बैक हुआ था। तो अगर 150 का ये जो लेवल अगर ब्रेक होता है तो नीचे 28,300 तक के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं। अभी यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, ये इन्वर्टेड हैमर जैसा कल एक पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है, सिग्नल है। कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर ये पॉजिटिव कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से यहाँ पर बनना होगा, तो ये पैटर्न का कन्फर्मेशन मिलेगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये एक बुलिश पैटर्न है, लेकिन हालांकि ट्रेंड अब जो है वो अभी डाउन ट्रेंड है। कन्फर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। ऊपर अगर ये मूव करता है तो अभी 100 EMA ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, हर्डल का काम कर सकता है, जो कि अराउंड अभी 29,800 के पास है। हमने वीकली चार्ट में देखा था 20 EMA अराउंड 29,800 के पास है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर 29,800 के पास। तो ये है डेली, वीकली और मंथली चार्ट का सिनेरियो बैंक निफ्टी का। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या होंगे ये आइडेंटिफाई करते हैं। निफ्टी इंडेक्स वीकली चार्ट में अभी 50 EMA के पास रुका हुआ है, जो कि अराउंड 11,225 के पास है इस वक्त। तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है, और ऊपर ये 20 EMA जो है ये अराउंड अभी 11,500 के पास है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नीचे 11,200 और ऊपर 11,500, इस रेंज के बीच में हमें निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर 50 EMA ब्रेक होता है वीकली चार्ट में 11,225, तो नीचे
100 EMA तक ये निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर पहुंच सकता है। ठीक है, तो यह है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में हमने बैंक निफ्टी के चार्ट में भी देखा, डेली चार्ट में वहां पर एक इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न बन रहा था। ये कल का ये जो कैंडल है ये इन्वर्टेड हैमर जैसा है, ये बुलिश सिग्नल है। जब भी डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर आता है तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक हो। ये सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा ही होगा ये भी कहा नहीं जा सकता, ये पॉसिबिलिटीज है जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे बुलिश कैंडलस्टिक बनने होंगे तो ये कंफर्मेशन मिलेगा। यहाँ पर ऊपर निफ्टी इंडेक्स में अभी 100 EMA 11,500 के पास आ रहा है। वीकली चार्ट में हमने देखा 20 EMA 11,500 के पास आ रहा था, तो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऊपर जाने के लिए हर्डल का काम कर सकता है 11,500। तो ये है डेली चार्ट का अभी तक का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी अगर आप इसे देखें इस पैटर्न को, तो ये यहाँ से फॉल आ गया, ये फिर से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन लोअर हाइज बन के फिर से नीचे आ रहा है। तो अभी यहाँ पर एक पैटर्न बन सकता है, अब बन सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ऐसा ही बनेगा ये कहा नहीं जा सकता। ये फर्स्ट बॉटम बन चुका है और फिर से इसने यहाँ से एक रिकवरी दिखाई, फिर ये ड्रॉप हुआ और फिर इसने ये यहाँ पर डबल दूसरा बॉटम बना दिया है। और अगर ये अभी यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर ये डबल बॉटम फॉर्मेशन हो जाएगा जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। और अगर ये नेक लाइन का ब्रेकआउट अगर दे देता है, इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, तो यहाँ से हमें शॉर्ट टर्म अपसाइड मूव निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकती है। और अगर ये बॉटम को अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी और भी नीचे फॉल हो सकता है। ये एक पैटर्न है, ठीक है। पास्ट में भी अगर हम देखें आर्ली चार्ट में, तो कुछ दिन पहले यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया था, ये यहाँ पर ऐसे ये नीचे आया फिर ऊपर गया और नेक लाइन को काफी इसने पेनेट्रेट किया। ये देखो यहाँ से ऊपर आया फिर नेक लाइन के पास सपोर्ट टेस्ट किया फिर एक अपसाइड मूव दिखाया। तो डबल बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद हमें एक अपसाइड मूव दिखाई देता है, तो इसी तरह से यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है, कल का ये लो और परसों का लो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये बॉटम को अगर ये ब्रेक करता है 11,228 को अगर ये ब्रेक करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल 11,207 और सेकेंड टारगेट होगा 11,184, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बार यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। उसके प्रीवियस डे भी यहाँ पर सेम लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो अगर ये इस लेवल को अगर ब्रेक करता है पिवट पॉइंट का ये जो लेवल आ रहा है 11,284, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा यहाँ पर ये 20 EMA एज पर आर्ली चार्ट 11,307, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 11,329 के पास है। ठीक है, तो ये है आज के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए। हमने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।